आज अब हम आगे बात करने वाले हैं मिक्सिंग प्रॉब्लम के ऊपर, बट आज जो हमारा फेज होने वाला बिल्कुल डिफरेंट, पानी आइस या आइस और पानी ऐसा कुछ नहीं होगा, स्टीम पानी या पानी स्टीम ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आज बिल्कुल कंप्लीट आइस को स्टीम के साथ मिलाने वाले, सेम मेथड अपनाऊंगा मैं, बिल्कुल अपने कंसेप्ट नहीं भटकूंगा, सेम फेज में दोनों को लाऊंगा, सेम टेम्परेचर पे लाऊंगा और फिर कंपेयर कर लूंगा। वही सेम कंसेप्ट यहाँ भी अप्लाई करना है, समझना कैसे अपने को चीजों को देखना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है। 100 ग्राम 10 ग्राम स्टीम है 100 डिग्री सेल्सियस पे, और 1 ग्राम आइस है 0 डिग्री सेल्सियस पे। सब बढ़िया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसने बोला कि दोनों को मिला दिए, हमने बोला बहुत खूब मिला दो, क्या दिक्कत है। अब पहले तो ये देखो कि स्टीम 100 पे है, उसको कंडेंस होने में कितना एनर्जी है लूज करेगा, लूज करेगा कितना, 10 × 540 यानी कि 5400 कैलोरी इतना लूज करेगा, बहुत ज्यादा है। 1 ग्राम आइस है, इसको पूरा मेल्ट कर दो, कितना एनर्जी इसको रिक्वायरमेंट है मेल्ट करने के लिए, 80 कैलोरी। आइस पूरा मेल्ट करने के लिए 80 कैलोरी चाहिए, पूरा मेल्ट करने के लिए 5400। दोनों को सेम टेम्परेचर पहुंचाना है, यानी कि अब आइस को तुम 100 पे पहुंचाओ, ये बहुत ज्यादा है, इसीलिए कंपेयर किया बहुत ज्यादा, इसीलिए इसको मैं 100 पहुंचाऊंगा, इसको और एनर्जी दूंगा मैं। और कितनी रिक्वायरमेंट है इसकी, एम एस डेल्टा टी, 0 से 100 एम एस डेल्टा टी। 100 पे पहुंचने के लिए इसको 180 कैलोरी चाहिए, ये पूरा कंडेंस हो रहा है तो 5400 कैलोरी दे रहा है, तो क्या इसको 180 मतलब खुद के टेम्परेचर तक पहुंचाने के लिए क्या इसको पूरा कंडेंस होने की आवश्यकता है, क्यों करेगा ये इतना काम। स्टीम बोला कि यार तेरे को 180 चाहिए, मैं पूरा क्यों कंडेंस हूं, मैं तो एम कंडेंस होऊंगा, एम को हमने मल्टीप्लाई किया 540 से, और मैंने तेरे को कितना चाहिए 180 चाहिए, ये ले 180। स्टीम मात्र 180 × 540 कंडेंस हुआ 1/3 ग्राम, बस 1/3 ग्राम स्टीम ही कंडेंस हो जाए तो 180 देख के इसको 0 से 100 पहुंचा दिया, इसकी रिक्वायरमेंट पूरी कर दिया। यानी कि कंपेयर करो, अभी मुझे फाइनल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर कितना आया, 100 आया, क्योंकि 1/3 ग्राम स्टीम जब कंडेंस हुआ, 1/3 ग्राम जब स्टीम कंडेंस हुआ तो उसका भी टेम्परेचर 100 ही है, जो कंडेंस नहीं हुआ उसका टेम्परेचर भी 100 है, और 1/3 ग्राम कंडेंस होने के बाद जो 180 कैलोरी एनर्जी दिया इसको, ये लेने के बाद ये भी 100 पे ही पहुंचा, क्योंकि 100 पे पहुंचने के लिए इसका रिक्वायरमेंट इतने का है। यानी कि अगर मुझसे बोला कि मेरे पास स्टीम कितना बचा, स्टीम जो मेरे पास बचेगा वो होगा कितना, 100 − 1/3। मुझसे कोई बोला पानी कितना बचा, पहले से ये आइस पहुंचा 100 पानी में, 1+ और स्टीम कंडेंस हो गए पानी बना 1/3। ये तरीका होता है चीजों को डील करने का, ये सिंपल मेथड होता है, बहुत सिंपल मेथड होता है, इस तरह से हम चीजों को डील करते हैं। और ये बात समझ में, बिल्कुल सोचो कैसे कर रहे हैं, कंपेयर किए बहुत ज्यादा था, इसको पूरा पिघलने में 80 चाहिए, ये तो बहुत ज्यादा देगा, इसको तो 100 पहुंचा दिया मैंने, फाइनली दोनों को सेम टेम्परेचर पहुंचाना है कंपेयर करके, और फिर कौन एनर्जी दे रहा है कौन लूज कर रहा है इसके बारे में सोचना है। सपोज करो इसी क्वेश्चन में अपन दूसरे पार्ट की बात करते हैं, सपोज करो मैंने ऐसा कुछ एग्जांपल दिया, मेरे पास स्टीम है, इस बार मेरे पास स्टीम है, और मैंने बोला कि मेरे पास 1 ग्राम स्टीम है, इसको मैंने बर्फ से भरे पतीले में डाला, कितना मानोगे,
10 ग्राम मान लो बर्फ है, जीरो डिग्री सेल्सियस पे और ये 100 डिग्री सेल्सियस, ये स्टीम है और ये आइस है, मिला दिया, क्या होगा? हमें नहीं पता क्या होगा। मैंने क्या किया, टेबल बनाया, सबका रिक्वायरमेंट देखते हैं फिर सोचेंगे करना क्या है। मैंने बोला एक बात बता, ये स्टीम है और ये आइस है, इस स्टीम को पूरा कंडेंस कर दे, देख कितनी एनर्जी लूज करेगा ये, एम एल वी, इतनी लूज करेगा। लूज करने के बाद अभी भी टेम्परेचर 100 ही है, बट इतना लूज करेगा अगर वो टेम्परेचर 100 पे कंडेंस होता है तो। आइस सॉलिड लिक्विड बदलो, कितना एनर्जी चाहिए, 800 कैलोरी चाहिए, 800 कैलोरी, मतलब अगर आइस कंडेंस होता है तो इसको 800 चाहिए। स्टीम पूरा कंडेंस होने में 540 दे रहा है, इसका रिक्वायरमेंट ज्यादा है पूरा पिघलने के लिए और ये 540 ही दे पा रहा है, बट अभी इसका टेम्परेचर 100 है और इसका 0 है, तो ये क्या किया, दोनों को सेम टेम्परेचर पहुंचना है, जो कि ये कम है ये ज्यादा है, ये और नीचे आया, आओ और नीचे लाओ, 0 पे पहुंचा, एम एस डेल्टा टी 100 से 0 100। इसने बोला कि ये ले, मैं 0 पे पहुंच के 100 और दे दिया, टोटल मैंने कितना दिया तेरे को, 640 कैलोरी दिया। आइस बोला तू 0 पे पहुंच के 640 दे रहा है, मेरा रिक्वायरमेंट ही यहाँ 800 है, 800 है पूरा पिघलने के लिए, तो उसने बोला यार एक काम, मैं तुझे 800 तो नहीं दे सकता, तो मैं एक काम करता हूं, मैं तेरे को 640 दे के कुछ हिस्सा तो तेरा पिघला दूं, सब तो नहीं पिघला पाऊंगा, कुछ हिस्सा तो पिघला दूं, कितना पिघला दूं, मानते हैं कि एम मास आइस का पिघल गया, एम मास को पिघलने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, एम इंटू 80 चाहिए, एम इंटू 80 किसके बराबर हो जाए, 640 के बराबर हो जाए, तो एम की वैल्यू कितनी आ गई, 8 ग्राम आ गई, यानी कि जब ये 1 ग्राम का स्टीम 0 पे पहुंचा लिक्विड स्टेट में तो 640 कैलोरी दिया, 640 लेने के बाद, 640 लेने के बाद जब ये आइस को मिला 640 तो 8 ग्राम आइस पिघल गया, तो मेरे पास वाटर कितना है, 8 ग्राम आइस पिघला और ये स्टीम भी 0 पे पहुंचा तो भी ये लिक्विड स्टेट में है, प्लस 1 कितने पे, 0 पे, ये आइस 8 ग्राम पिघल गया तो कितना आइस बचा हुआ है मेरे पास, और इक्विलिब्रियम टेम्परेचर कितना है, 0 है, यहां पे इक्विलिब्रियम टेम्परेचर 0 है, और इस वाले सवाल में जब हमने किया था तो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर कितना था, यहाँ पे इक्विलिब्रियम टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस था, तो सिचुएशन अपने को बताएगा, सिचुएशन और सवाल बताएगा, कंपेयर करोगे तो बताएगा कि तुम्हें 100 पे लेके जाना है या तुम्हें 0 पे लेके जाना है, समझ में आ रही है बात। अब थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन करते हैं, फिर तुम्हें समझ आएगा अच्छा ये क्वेश्चन अच्छा था, थोड़ा डिफरेंट करते हैं, डिफरेंट कैसे करते हैं, तो एक काम करते हैं, 80 है ना, तो एक काम करते चलो इसको 1 से कर दो 10, तो ये 800 हो गया, ठीक है, इसको 1 से कर दो 10 तो ये 800 हो गया, और इसको तुम 10 से कर दो 5 करोगे तो होगा, 5 में नहीं होगा, इसको तुम 2 कर दो, ठीक है, स्टार्ट करें, इसको हमने 2 कर दिया तो इसका रिक्वायरमेंट 800 और प्लस 1000,
1800, और ये दे सकता है तुम्हारा उतना। हाँ चलो ठीक है, सवाल कुछ ऐसा है, अब क्या होगा, 100 पहुंचा है या 0 पहुंचा है? डायरेक्टली अटेम्प्ट मत करना, पहले टेबल बनाना। 2 ग्राम स्टीम है, कितने पे? 100 डिग्री सेल्सियस पे। 10 ग्राम आइस है, कितने पे? 0 पे। एक काम करते हैं, पहले इसको कंडेंस करते हैं और देखते हैं कितनी एनर्जी ये लूज करेगा। लूज यही करेगा, इसका ज्यादा है। एक 1080 कैलोरी ये लूज कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब ये देगा, लेगा कौन? आइस लेगा। मैं देखता हूं कि आइस को पूरा पिघलने के लिए कितना एनर्जी का रिक्वायरमेंट है। एमएस डेल्टा टी, एस कितना आइस का, सॉरी एम इंटू एल एफ, ज्यादा दे सकता है। 1080 रिक्वायरमेंट कितना है? 800 का है। कई लोग क्या करेंगे मैं समझाता हूं, कई लोग क्या करेंगे, वो ऐसे देखेंगे कि यार ये ज्यादा है तो इसको हम 100 पहुंचा देते हैं। पहुंचाओ, तुम्हारी बात मानता हूं, 100 पहुंचा दो, क्योंकि ये ज्यादा है, ये कम है, इसको और 100 दो। एम एस डेल्टा टी 1000, टोटल कितना आ गया? 1800 कैलोरी। इसको 100 पे पहुंचने के लिए 1800 का रिक्वायरमेंट है। ये तो 1080 ही दे सकता है, यानी कि ये इसको 100 तक तो नहीं पहुंचा सकता है, और नहीं ये इसको 0 तक पहुंचा सकता है, यानी कुछ बीच का टेम्परेचर आने वाला है, तो क्या करें? बहुत सिंपल है, मैंने क्या बोला, दोनों को सेम फेज में लाना है। अब एक बात बताओ, ये 0 वाला आइस जब पूरा पिघला, ये 0 वाला आइस जब पूरा पिघला तो इसका रिक्वायरमेंट 800 था, 800 कैलोरीज को चाहिए था। ये जब पूरा कंडेंस हुआ तो 1080 दे सकता है, तो मैंने इससे इतनी एनर्जी ली, अपने पास रख ली, इसका 100 से मैंने इसको 0 पहुंचाया, सेम फेज पे पहुंचाना, मैंने इसको और 0 पे पहुंचाया, मेरी मर्जी, और 0 पे पहुंचा दूं, कितना एनर्जी लूज करेगा? 200 और लूज कर दिया, जोड़ो 1280 कैलोरी। इतना एनर्जी मैंने इससे जब ले लिया, 1280 कैलोरी जब मैंने इससे एनर्जी लिया, तो तुरंत में ये पानी बन गया 0 डिग्री सेल्सियस पे। अब मैं क्या कर रहा हूं समझना, बहुत अच्छा सवाल है, समझना। मैं ये करूंगा कि यार ये दे सकता है इतना, इसको पूरा पिघल के 100 तक पहुंच में तो पॉसिबल ही नहीं। मैं क्या करता हूं, इस 1280 में से जो मेरे पास है, इसको पानी बना दिया हूं मैं 1280 लेके, इस 10 ग्राम आइस को पिघला देता हूं, कितना चाहिए? 800, तो मैंने 800 दिया इससे लेके 800 इसको दिया, मेरे पास कितना बचा? 800 माइनस करो 0, 480, मेरे पास 480 कैलोरी बचा। सुनना, जब मैंने इसको 800 दिया तो पूरा पानी बन गया 10 ग्राम का 0 डिग्री सेल्सियस पे। जब मैंने इससे 1280 लिया था तो ये भी पानी बन चुका है 2 ग्राम का 0 डिग्री सेल्सियस पे, लेकिन मेरे पास अभी भी कुछ एनर्जी में बचा के रखा हुआ हूं, कितना? 480 कैलोरी। अब ये दोनों को मैं सेम टेम्परेचर सेम फेज, मेरे पास एनर्जी है 480, दे दिया।
480 इज इक्वल्स टू एम एस डेल्टा टी, डेल्टा टी जीरो पे था, टी माइनस जीरो, टी की वैल्यू आ गई 480 अपॉन 12, 40 डिग्री सेल्सियस, यानी कि अब जो कंबाइंड टेम्परेचर आएगा वो 40 आएगा। अब दोनों लिक्विड फेज में एग्जिस्ट करेंगे। कैसे किया मैंने, मैंने पहले इसको कंडेंस करवाया, मैंने बोला कंडेंस करने के बाद ये इतना दे सकता है 1080, मैंने बोला बहुत ज़्यादा है, चलो आइस को पूरा पिघलाया, 800 चाहिए था आइस को, आइस को 800 चाहिए, कम है ये ज़्यादा दे सकता है, तो मैंने इसको 100 पे पहुंचाया। जब 100 पहुंचे तो 1800 मिला, लेकिन जब ये पूरा कंडेंस हुआ तो ये इतना ही दे सकता है, रिक्वायर्ड पूरा नहीं किया। फिर मैंने सोचा यार इसको जीरो पे पहुंचाते, जब मैंने इसको जीरो पहुंचाया ये 200 और दिया, तो टोटल ये 1280 दिया, मैंने इसे 1280 ले लिया, लेके अपने पास रख लिया, ये जीरो पे पहुंच गया। अब 1280 मैंने इसको 800 दे दिया, 800 दिया तो ये आइस पिघल गया, दोनों सेम फेज में आ गया, मेरे पास 480 बचा हुआ था, दोनों सेम फेज में आ चुके हैं, दोनों को मिलाया और फिर 480 देके दोनों का टेम्परेचर 127 कर दिया। ये दिमाग लगाना है तुम्हें कंपेयर करके, आई बात समझ में, और भी सवाल अपन करेंगे, बट फिलहाल तो अपन इस टॉपिक को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।